आप सबको जय मसीह की। आज हम चलेंगे जॉब की जीवन शैली के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ तक आपने ख़त्म किया था उससे हम आगे पढ़ेंगे। और उससे पहले हम पढ़ेंगे भजन संहिता 62 एक से लेके 12 तक। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन या तुल की राग पर। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हुए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरे गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर घाव करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की संपत्ति करते हैं। वह झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वह आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरा चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। वह मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी चट्टान और मेरा शरणास्थान परमेश्वर है। है लोगो, हर समय उस पर भरोसा रखो। उसने परमेश्वर अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तोल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेरे करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और दो बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है और है प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। आमीन। चलिए अब हम पढ़ेंगे आयोब की जीवन शैली के बारे में, जो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उससे अब हम आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आयोब प्रथम संपाद, एलिजिया का तर्क। तब तेमानी एलिजेपेज ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? परंतु बोले बिना कौन रह सकता है? सुन, तूने बहुतों को आशीष दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुए को तूने अपने बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया है। परंतु अब विपत्ति तो तुझ पर आ पड़ी और तू निराश हुआ जाता है। उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसारा है? और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं? क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी कष्ट नष्ट हुआ है? यह कहीं सज्जन भी कट डाले गए हैं। मेरे देखने में तो जो पाप को जोते हैं और दुख बोलते हैं वही उसको काटते हैं। वह परमेश्वर की श्वास से नष्ट होते और उसके क्रोध से झोंकों से भस्म होते हैं। सिंह का गर्जना और सिंहासन सिंह का दहाड़ना बंद हो जाता है और जवान सिंहों के दांत तोड़े जाते हैं।
शिकार ना कर पाकर बलवान सिंह भी मर जाता है और सिंहानी के बच्चे तीतर बितर हो जाते हैं। एक बात चुपके से मेरे पास पहुंचाई गई और उसकी कुछ भयानक मेरे कान में पड़ी भनक मेरे कान में पड़ी। रात के सपनों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निंदा में रहते हैं, मुझे ऐसी थरथराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। तब एक आत्मा मेरे सामने से होकर चली और मेरी देह के रोए खड़े हो गए। वह चुपचाप ठहर गई और मेरी उसकी आकृति की पहचान ना कर सका, परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहले सन्नाटा छाया रहा, फिर उसने एक शब्द सुनकर पड़ा, क्या नाशमान मनुष्य परमेश्वर से अधिक धर्मी होता है? क्या मनुष्य अपने सज्जनहान से अधिक पवित्र हो सकता है? देख, वह अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूत को भी दोष नहीं ठहराता। फिर जो मिट्टी के घरों में रहते हैं और जिनके नींव मिट्टी में डली गई हैं और जो पतंगे के समान पिस जाते हैं, उनकी क्या गणना? वह भोर से सांझ तक नष्ट किए जाते हैं, वह सदा सर्वदा के लिए मिट जाते हैं और कोई उनका विचार भी नहीं करता। यदि उनके डेरे की डोर उनके अंदर ही अंदर कट जाती है, तो क्या वे बिना बुद्धि के ही मर ना जाते? पुकार कर देख, क्या कोई है जो तुझे उत्तर देगा? और पवित्रों में से तू किसकी ओर फिरेगा? क्योंकि मूड तो खेद करते करते नष्ट हो जाते हैं और भोला जलते जलते मिट जाता है। मैंने मिट को जड़ पकड़ते देखा है, परंतु अचानक मैंने उसके वास स्थान को धिक्कारा। उसने बच्चे सुरक्षा से दूर हैं और वे फटक में पीसे जाते हैं और कोई नहीं है और जो छुड़ाए। उसके खेत की उपज भूखे लोग खा लेते हैं, वरन कटीली बाड़ में से भी निकलकर जाते हैं और प्यासा उनके धन के लिए फंदा लगाता है। क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और ना कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियां ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। परंतु मैं तो परमेश्वर ही को खोजता हूँ और खोजता रहूँगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूँगा। आमीन। वह तो ऐसे बड़े काम करता है कि ता नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। वही पृथ्वी के ऊपर वर्षा करता है और खेतों पर जल बरसाता है। इसी रीति वह नम्र लोग को ऊंचे स्थान पर बिठाता है और शोक का पहरावा पहने हुए लोगों में उसे पर पहुंचाकर बचाते हैं। वह धूर्त लोगों की कल्पना व्यर्थ कर देता है और उनके हाथों से कुछ भी बन नहीं पड़ता। वहीं वह बुद्धिमानों को उनकी धूर्तता ही में फंसाता है और कुटिल लोगों की युक्ति दूर की जाती है। उन पर दिन को अंधेरा छा जाता है और दिन दोपहरी वे रात के समान टटोड़ते फिरते हैं, परंतु वह दरिंदों को उनके
वचन रूपी तलवार से और बलवानों के हाथों से बचाता है। इसीलिए कंगालों को आशा होती है और कुटिल मनुष्यों का मुंह बंद हो जाता है। देख, क्या ही धन्य हैं वह मनुष्य जिनको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जानना, क्योंकि वह घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। आमीन। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तू वचन रूपी कोड़ों से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे बहना होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हसमुख रहेगा और तुझे परनेल जंतुओं से डरना लगेगा। वरन मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधे रहेंगे और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे। तुझे निराशा होगा, निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखेगा तब कोई वस्तु खोई ना होगी। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी। जैसे पुलियों का ढेर सामान का खलिहान हम है रह जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु तक होकर कब्र को पहुँचेगा। देख, हमने खोज खोज कर ऐसे ही पाया, इसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। अय्यूब का एलीपज को उत्तर। फिर अय्यूब ने कहा, भला होता कि मेरा खेत तोला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुझ में रखी जाती, क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी ठहरती है। इसी कारण मेरी बातें उतावली से हुई, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तीर मेरे अंदर छुपे हैं और उनका विष मेरी आत्मा में पट गया है। परमेश्वर की भयंकर बातें विरुद्ध पाती बाधे हैं। जब बैनेल गेंदे को घास मिलती है तब क्या वह रेंगता है, और बैनल चारा पाकर क्या डकारता है? जो फीका है वह क्या बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफ़ेदी में कुछ भी स्वाद होता है? जिन वस्तुओं को मैं छू भी नहीं चाहता वही मानो मेरे लिए घिनौना आ ठहरती है। भला होता कि मुझे मुँह मांगा वर मिलता और जिस बात की मैं आशा करता हूँ वह परमेश्वर मुझे दे देता, कि परमेश्वर प्रसन्न होकर मुझे कुचल डालता और हाथ बढ़ाकर मुझे काट डालता। यही मेरी शांति का कारण होता, वरन भारी पीड़ा में मैं भी इस कारण से उछल पड़ता, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों को कभी इनकार नहीं किया। मुझ में बल ही क्या है मैं आशा रखूं, मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज चरूं? क्या मेरी दृढ़ता पत्थरों की सी है? क्या मेरा शरीर पीतल का है? क्या मैं निधारक नहीं हूं? क्या काम करने की शक्ति मुझसे दूर नहीं हो गई? जो पड़ोसी पर कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। जो मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरन उन पर नालों के समान जिनकी घास सूख जाती है और वह बर्फ़ के कारण काले से हो जाते हैं और उनकी हिम छिपा रहता है। जब परंतु गर्मी होने लगती है तब उनकी धाराएं लोप हो जाती हैं, और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वह अपनी जगह से उड़ जाती हैं। वह घूमते घूमते
सूख जाती हैं और सुनसान स्थान में बहकर नष्ट हो जाती हैं। तेमा के बंजारे देखते रहे और शब्बा के काफिल वालों ने उनका रास्ता देखा। वह लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने भरोसा रखा था और वहाँ पहुंचकर उसके मुंह सूख गए। उसी प्रकार अब तुम भी कुछ ना रहे, मेरी विपत्ति देखकर तुम डर गए हो। क्या मैंने तुमसे ना कहा था मुझे कुछ दो या अपनी संपत्ति में से मेरे लिए घूस दो, या मुझे सताने वालों के हाथ से बचाओ, या उपद्रव करने वालों के में वश में छुड़ा लो। मुझे शिक्षा दो और मैं चुप रहूँगा, और मुझे समझ जाओ कि मैं किस बात में चूक की है। सच्चाई के वचनों में कितना प्रभाव होता है, परंतु तुम्हारे विवाद से क्या लाभ होता है। क्या तुम बातें पकड़ने की कल्पनाएं करते रहते हो? निराशा जन की बातें तो वायु की सी हैं। तुम अनार्थों पर चिट्ठी डाल दे और अपने मित्र की बेचकर लाभ उठाने वाले हो। इसलिए आप कृपा करके मुझे देखो, निश्चय मैं तुम्हें सामने कदापि झूठ ना बोलूँगा। फिर कुछ अन्याय ना होने पाए, फिर इस मुकदमे में मेरा धर्म ज्यों का त्यों बना है, मैं सत्य पर हूँ। क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है? क्यों मैं दृष्टा नहीं पहचान सकता? क्या मनुष्य को पृथ्वी पर कठिन सेवा करनी नहीं पड़ती? क्या उसके दिन मजदूर के से नहीं होते, जैसा कोई दास छाया की अभिलाषा करे या मजदूर अपनी मजदूरी की आशा रखे? वैसे ही मैं अनार्थ के महीनों का स्वामी बनाया गया हूँ, और मेरे लिए कलेश से भरी रातें ठहर गई हैं। जब मैं लेट जाता तब कहता हूँ मैं कब उठूँगा, पर रात लंबी हो जाती है और पौं फटने तक छपटते छपटते उकता जाता हूँ। मेरी देह कीड़ों और मिट्टियों से ढकी हुई है, मेरी चमड़ा सिमट जाता है और फिर गल जाता है। मेरे दिन झूले की ढरकी से अधिक फूर्ती से चलने वाले हैं और निराशा में बीत जाते हैं। याद कर कि मेरा जीवन वायु ही है और मैं अपनी आँखों से कल्पना फिर ना देखूँगा। जो मुझ पर देखते हैं उसे मैं फिर ना दिखाई दूँगा। तेरी आँखों मेरी और परंतु मैं ना मिलूँगा। जैसा बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधलोक में उतरने वालों की वहाँ से नहीं लौट सकते। वह अपने घर को फिर लौटने पर आएगा और अपने स्थान में फिर मिलेगा। इसलिए मैं अपना मुंह बंद रखूँगा, अपने मन का खेत खोलकर कहूँगा और अपने जीव की कड़वाहट के कारण कुड़ता कर रहूँगा। क्या मैं समुद्र हूँ या मगरमच्छ हूँ कि तू मुझ पर पैरा बैठाता है? जब जब मैं सोचता हूँ कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौनों पर मेरी खेद कुछ हल्का होगा, तब तब मुझे सपनों में घबरा देता है और दर्शन से भयभीत कर देता है। यहाँ तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन के मृत्यु की अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है, मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। मेरा जीवन काल सांस सा है, इसलिए मुझे छोड़ दे। मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रति भोर की उसकी शुद्धि ले और प्रति क्षण उसके जांचता रहे। तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे ना छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निकल लूँ?
है मनुष्य पर मजदूर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया, यहाँ तक कि मैं अपने ऊपर अपनी बोझ बना रहूं। तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता। अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा पर मैं पता नहीं मिलेगा। बिलदर्द का तर्क। तब शूही बिलदर्द ने कहा, तू कब तक ऐसी ऐसी बातें करता रहेगा और तेरे मुंह की बातें कब तक प्रचंड वायु सी रहेंगी। क्या परमेश्वर अन्याय करता है और क्या सर्वशक्तिमान को उल्टा करता है। यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको अपराध का फल भुगताया है। तो भी यदि तू अपना आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गड़ाहट कर विनती करता और यदि तू निर्मल और धर्मी रहता तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर ज्यों का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग्य पहले छोटा ही रहा हो परंतु अंत में तेरी बहुत बड़ी बढ़ती होगी। पिछली पीढ़ी के लोगों से तो पूछ और जो कुछ उनके पुरखों ने जांच पड़ताल की है उस पर ध्यान दे, क्योंकि हम तो कल ही के थे और कुछ नहीं जानते और पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीतते जाते हैं। क्या वे लोग तुझसे शांति की बातें ना कहेंगे, क्या वे अपने मन से अपनी बात ना निकालेंगे। क्योंकि कछार की सांस यानी बिना बाढ़ सकती है, क्या सरकंडा जल बिना बहता है। चाहे वह हरी हो और कटी भी गई हो तो भी वह और सब भांति की घास में से पहले ही सूख जाती हैं। परमेश्वर के सब बिस्राने वालों की गति ऐसी ही होती है और भक्तिहीन की आशा टूट जाती है। उसकी आशा का मूल कट जाता है और जिसका वह भरोसा रखता है वह मकड़ी का जाल रहता है। चाहे वह अपने घर पर भरोसा रखे परंतु वह ना ठहरेगा, वह उस दृढ़ता से थमेगा परंतु वह स्थिर ना रहेगा। वह धूप पाकर हरा भरा हो जाता है और उसकी डालियां बगीचे में चारों ओर फैलती हैं। उसकी जड़ कंकारों के ढेर में लिपटी हुई रहती हैं और वह पत्थर के स्थानों को देख लेता है, परंतु जब वह अपने स्थान पर से नष्ट किया जाता है तब वह स्थान उसके यह कहकर मुंह मोड़ लेगा, मैंने तुझे कभी नहीं देखा। देख, उसकी आनंद भरी चाल यही है, फिर उसकी मिट्टी से दूर उगेगा। मैं देख, परमेश्वर ना तो खरे मनुष्यों को निकम्मा जानता छोड़ देता है और ना बुराई करने वालों को संभालता है। वह तो तुझे हसमुख करेगा और तुझे जयजयकार कराएगा। तेरी बैरी लज्जा का वस्त्र पहनेगी और दुष्ट का डेरा कहीं रह ना पाएगा। तब अय्यूब का बिलदर्द को उत्तर। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है। चाहे वह उसके मुकदमा लड़ने भी चाहे तो भी मनुष्य हजार बातों में से एक का भी उत्तर ना दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसकी विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है। वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है और उनके पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है, तब पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग कर देता है और उसके खंभे कांपते लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं,
वह तारों पर मोहर लगाता है। वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तर्षि मृगशिरा और कच्छपीछा और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी थाह नहीं लगती और इतने अशारे कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर चला जाता है परंतु मुझे नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोक सकेगा, कौन उसे कह सकेगा कि तू यह क्या कर सकता है या क्या कर रहा है। परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी के सहायकों को उनकी पांव ताड़े हुए झूना पड़ता है। फिर मैं क्या कहूँ जो उसके उत्तर दूँ और बातें छांट छांट कर उसे विवाद करूँ। चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर ना दे सकता। मैं अपने मुद्दई से गिड़गड़ाकर ही विनती कर सकता हूँ। चाहे मेरे पुकारने वाले से वह उत्तर भी देता है तो भी मैं इस बात की प्रीति ना करता कि वह मेरे बात सुनता है। वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता है और मुझे कड़वड़ाहट से भरता है। जो सामर्थ की चर्चा हो तो देखो, वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा, मुझसे कौन मुकदमा लड़ेगा। चाहे मैं निर्दोष ही क्यों ना हूँ परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूँगा। खरा होने पर भी वह मनुष्य कुटिल ठहर जाएगा। मैं खरा तो हूँ परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है और इससे मैं यह कहता हूँ कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं तब वह निर्दोष लोगों को जांचे जाने पर हंसाता है। देखो, दुष्टों के समान मैं दिया गया है। वह इसके न्यायालयों के आंखों बंद कर देता है। इसका करने वाला वही ना हो सके कौन होगा। मेरा दिन हराके से भी अधिक वेग से चल जाते हैं। वह भागे जाते हैं और उनके कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह तेज़ी से सरकंडों की नावों के समान चलते हैं या अहर पर झपटे हुए उकाब के समान। जो मैं कहूँ मैं मिलाप करना भूल जाऊँगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूँगा। तो मैं अपने सब दुखों से डरता हूँ। तो मैं जानता हूँ कि तू मुझे निर्दोष ना ठहराएगा। मैं तो दोषी ठहरूँगा, फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूँ। चाहे मैं हिम में स्नान करूँ।